हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नवनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइनस प्लस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू पता कैसे करें। इस प्रकार के प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं, ये 5 एग्जाम्पल, इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें इससे आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू को पता कैसे करें आसान तरीके से, और इसे बहुत इजी वे में हम बताएंगे और आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम एक बात हम आपको बता दें, ये मात्र 5 एग्जांपल है, ये मात्र 5 एग्जांपल है, लेकिन देखिए ये 5 ऐसे एग्जांपल है, इसमें लगभग सारा कुछ आ जाता है, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के 5 एग्जाम्पल हैं ये, लेकिन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, अभी जो हम आपको सॉल्व कर देंगे उसके बाद आपको खुद से 40-50 ऐसे ही एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहिए, ताकि इससे आपको समझ में आ जाएगा इस 5 एग्जाम्पल को देखने के बाद। लेकिन उसके बाद अगर आप 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी इस प्रकार के प्रश्नों को, हमेशा याद रहेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे हम आपको अभी ये 5 प्रश्न बताते हैं, उसके बाद आपके पास जो कोई भी बुक हो उसमें अगर ऐसे प्रश्न है तो उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक काम करिए, हमको टेलीग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं इसका जो प्रश्न का सीट है वो अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पे मैं वहां पे दे देता हूँ ऐसे प्रश्न के सीट और जो जो कॉन्सेप्ट जो भी इससे पहले थ्योरी वेरी जो भी होता है ना उसका, मैं वहां पे दे देता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज का जो है हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है, इसी तरह से 5 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम अपना सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, पहला एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 1, 5x। यहां पर आप देखिए 5x प्लस 35, बहुत ही इजी है। एक नंबर का जो एक नंबर का है बहुत इजी है, उससे थोड़ा टफ ये है, उससे थोड़ा टफ ये। 5 ऐसे लिए हैं जिसमें सारा कुछ आ जाए, प्लस माइनस को कैसे किया जाता है, ये बटे रहे तो कैसे किया जाता है, रूट रहे स्क्वायर रहे तो कैसे किया जाता है, सारा कुछ इसमें हमने लिया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप 10 सेकंड 20 सेकंड 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं इससे आपको समझ में नहीं आने वाला है, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 35 इज इक्वल टू कितना है, 85। ठीक है, माइनस 5x। ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 85 माइनस 5x। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ठीक से। अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कि x का मान कैसे निकालें। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न है, इसमें देखिए आपको हम एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे 5x है, यहाँ पर केवल 35 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे x है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 85 है सिंपली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5x। ठीक है, तो जो x वाला रहेगा, x वाला टर्म, यानी x वाला टर्म एक हमारे पास ये है और एक ये है, दो हमारे पास ऐसे टर्म है जो x वाला है, और दो ऐसे टर्म है जो जो सिंपल है, मतलब कॉन्स्टेंट है, इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, ये बदलता नहीं है कभी। ठीक है, तो दो ऐसे टर्म है जो सिंपल है और दो ऐसे हैं जिसमें x लगा हुआ है, तो ये तो एक जाति का हो गया दोनों, 5x और ये माइनस 5x और ये 5x, मतलब दोनों x वाला है तो एक जाति का हो गया, ये सब बिना x वाला है तो एक जाति का, तो इसमें दो जाति के टर्म्स हैं। ठीक है, कितने जाति के, तो दो जाति के टर्म्स हैं इसमें, तो दोनों जाति के टर्म्स ये इक्वल का साइन है हमारा, है कि नहीं। अब करेंगे हम क्या, दोनों जाति को अलग अलग कर देंगे, मतलब x वाला को इक्वल के एक साइड लेंगे और बिना x वाला को इक्वल के एक साइड लेंगे,
तो कैसे लिया जाता है, यही तो इसका मेन चीज यही है कि कैसे हम एक तरफ करें। देखिए पहले 5x को मान लीजिए, हम x वाला टर्म्स को जो भी x वाला टर्म है बराबर के इस साइड लिखेंगे, बिना x वाला को इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिए, पहले दे दिए बराबर का साइन, बराबर का साइन हम दे दिए। अब 5x है, सिंपली इस साइड 5x है, इसको इसी साइड लिख रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम 5x लिख देंगे, 5x ऊपर में था 5x हम लिख दिए। अब इस माइनस 5x को, ये तो बराबर के उस साइड है, उसको हमको लाना है बराबर के इस साइड, यानी कि यहाँ लिखना है बराबर के इस साइड लाना है। पहले किस साइड था, इस साइड था, तो देखिए चेंज कैसे करना है, चेंज कैसे होता है, माइनस था नहीं ये, पहले माइनस 5x है ना, बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस 5x, ठीक है। माइनस वाले को अगर बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, अब प्लस वाले को अगर ले जाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, उल्टा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। इसी तरह गुना जो है वो बराबर के अगर इस भाग, इस बगल से उस बगल या उस बगल से इस बगल करिएगा तो भागा में चेंज हो जाएगा, भागा जो है गुना में चेंज हो जाएगा, सिंपली उल्टा हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, गुना भागा में, भागा गुना में, रूट जो है, रूट जो भी होता है वो स्क्वायर में चेंज होता है, और स्क्वायर जो है वो रूट में चेंज हो जाता है। समझने वाली बात है ये, मतलब ये आपको कोई याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। इतना समझिएगा कि बराबर के उस साइड ले जाते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे होता है, यही तो मेन है चीज कि कैसे होता है ये। तो 5x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 85 को यहाँ पे सिंपली इसी साइड है तो ऐसे ही लिख देंगे 85, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 35 है ना, 35 ये बराबर के इस साइड था, हम इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 35 कर देंगे, माइनस 35, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बराबर के इस साइड ले गए तो माइनस 35 हो गया। अब देखिए दोनों सेम जाति का है, सेम जाति कहने का मतलब दोनों एक्स वाला टर्म है, दोनों में एक्स लगा हुआ है तो दोनों सेम हो गया, चाहे 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, दोनों अलग अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स जो है ना तो ये दोनों सेम चीज हो गया, इसको हम जोड़ सकते हैं, तो 5 5 10 x हो गया ना, बराबर 85 में से 35 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया। अब क्या करना है, ये 10x जो है ना ये रहता कैसे है, 10 गुना x है, लेकिन गुना यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, पॉइंट जैसे रहता है, 10 गुना x इसका मतलब होता है, 10x का मतलब हो गया 10 गुना x, अब बराबर कितना है 50, हमको निकालना क्या है x का वैल्यू, तो x बराबर 50 लिख दीजिए, और ये 10 यहाँ पे गुना में है ना, 10 तो हम बोले ना गुना बराबर की उस साइड जाता है तो भागा में परिवर्तन हो जाता है, तो भागा 10 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में अगर 10 से भागा देंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो 2 नंबर का प्रश्न है इसको हम आप सॉल्व करेंगे, इसको भी आप समझने का कोशिश करिए, ये थोड़ा उससे दूसरे टाइप का है, तो इसको भी ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको, तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब ये देखिए बट्टे का मतलब भागा होता है, ये आप समझ लीजिए, ये जो बट्टा है ना इसका मतलब भागा होता है, भागा नीचे में 3 है, भागा 3 है, तो पहले ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये 3 किस में था, तो 3 था भागा में, अभी साइड जाएगा तो 3 गुना में, हम आपको बोले थे ना भागा गुना में चेंज हो जाता है, अगर बराबर के उस साइड ले जाएं चाहे इस साइड, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएं तो भागा गुना में, गुना भागा में, जोड़ घटाओ में, घटाओ जोड़ में, ये ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, ठीक है ना। अब चलिए 5x इज इक्वल टू, अब 3 जो है इसको इस साइड ले आएंगे तो देखिए 18, 3 प्लस में है इस साइड, है ना, प्लस में 3 जो है इस साइड प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 18 - 3, तो 18 - 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख दीजिए, डायरेक्ट 15 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम पिछले
प्रश्न में बताए थे ना कि 5x का मतलब 5 गुना x होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ 15 लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 गुना में था तो इस तरफ आएगा तो भागा में, इस तरह भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 में अगर 5 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, 3 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारे पास उसको हम सॉल्व नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसलिए एग्जांपल नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करिए और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और एग्जांपल नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं और फिर एग्जांपल नंबर 5 आपके लिए हम छोड़ देंगे, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को हम बढ़िया से बता रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 भी बनेगा जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल को तो आप पढ़ लिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 5 रूट के बाहर में है, प्लस 5 इज इक्वल टू 11 11। तो देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 लिख दीजिए। अब ये प्लस 5 है ना इक्वल बराबर के, इस साइड प्लस 5 लिखा हुआ है यानी यहाँ प्लस 5, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे ना तो प्लस 5 की जगह माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 11 में से 5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहीं पर इसको हटा करके 6 लिख दीजिए। ये बोर्ड है यहाँ पे आराम से हम मिटा करके लिख सकते हैं तुरंत, तो 6 लिख दिए, इससे पहले जो लिखे थे वो आप ध्यान में रखिए, तो 6 आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है, अब देखिए ये जो रूट है ना, रूट किस में बदल जाता है, रूट किस में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर में, ध्यान दीजिएगा, रूट जो है वो स्क्वायर में चेंज होता है, रूट का उल्टा हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा हो जाता है रूट। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं, रूट को हम हटा देंगे, हटाने का मतलब हुआ है इस साइड से इस साइड ले जाएंगे, तो इस तरफ रूट है ना अंडर रूट, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, रूट का उल्टा हो जाता है स्क्वायर और स्क्वायर का उल्टा हो जाता है रूट। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 हो गया, 6 गुना 6 मतलब 36 हो गया, 6 गुना 6 मतलब 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है यहाँ पे 36, ये प्लस 11 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, तो 36 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 11 गया तो 25। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बताए थे कि रूट स्क्वायर में चेंज होता है और स्क्वायर रूट में चेंज होता है, रूट स्क्वायर में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है ना इस साइड, एक्स के स्क्वायर है, स्क्वायर को यदि हम हटाएंगे क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू पता करना है तो स्क्वायर को उस साइड ले जाना होगा ना, तो स्क्वायर को अगर उस साइड ले जाएंगे तो 25 तो पहले से है, स्क्वायर का उल्टा हो जाता है रूट, समझ गए ना, जितना रहेगा उससे रूट हो गया। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5, 25 का रूट होता है 5, तो इसका आंसर हो गया 5। आप समझ गए होंगे ऐसा हमको लगता है। ठीक है, ये जो अब 5 नंबर का प्रश्न आपको खुद से बनाना है, और एग्जाम्पल जो था हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, आप ध्यान से देख लीजिए ये 5 और 3 नंबर का और 5 नंबर का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें और इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसमें भी आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए।